गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो सेशन है हम सभी के बीच एग्री ट्रेनिंग का सेशन है। तो आज हम सभी के लिए शिवम सिंगल सर, जो कि वेस्टिज के एग्री ट्रेनर के हेड एज अ एग्री ट्रेनिंग करते हैं और हम सभी के लिए सिवान में भी आ चुके हैं, तो आज हम सभी के बीच हुआ आलू और गेहूं के फसल में होने वाले जो भी एग्री प्रोडक्ट्स का उपयोग है उसके बारे में बताएंगे। तो मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे शिवम सिंगल सर आपका, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आदित्य जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और दोस्तों, मैं हूँ शिवम सिंगल, मैं एग्री ट्रेनर के तौर पर ज्वाइन हूँ वेस्टीज में। पूरे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में मैं ट्रेनिंग करता हूँ और आप लोगों के यहाँ पे सिवान बिहार में भी आ चुका हूँ। तो दोस्तों, आज जो हम लोगों ने ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया है ये स्पेशली आलू और गेहूं की फसल के लिए है, क्योंकि अभी जो आने वाला जो समय है या फिर जो अभी समय स्टार्ट हो चुका है, अक्टूबर लास्ट अभी चल रहा है और जो नवंबर आएगा इसमें आलू की खेती स्टार्ट हो चुकी है, आगे जाके गेहूं की खेती होगी। तो इन दोनों ही फसलों में हम अपने प्रोडक्ट्स को किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आप नोट डाउन करते रहिएगा सारी चीज़ें नोटबुक में, हालांकि इसकी वीडियोस भी मैंने अपलोड की हुई हैं। आप यूट्यूब पे अगर जाएंगे वहाँ पे सर्च करेंगे शिवम सिंगल एग्री ट्रेनर, तो वहाँ पे भी आपको इसकी आलू की, सरसों की, गेहूं की, हर क्रॉप की वीडियो मिल जाएगी। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पे हम अच्छे से आलू और गेहूं की फसल को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम आलू की फसल की। आई होप आप लोगों को पीपीटी दिख रही होगी। तो दोस्तों, आलू की फसल को हम स्टार्ट करें, सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि आलू की जो फसल है वो आज हमारे देश में कमर्शियल क्रॉप की कैटेगरी में रखी जाती है। कमर्शियल क्रॉप मतलब जिससे कि किसान बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। क्यों? क्योंकि जिस जितना कि हमारे देश में या हम लोग जितना कि गेहूं या चावल खाते हैं आज के समय में, उतना ही हम लोग आलू खाने लगे हैं। तो आलू भी हम शिवम सर, स्क्रीन पे थोड़ा थोड़ा ब्लैक दिख रहा है आपका, ये जो है दिख रहा है ब्लैक स्पॉट आ रहा है, ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं। यस सर, यहाँ पे आलू के ऊपर है, नीचे है और थोड़ा सा साइड में है जहाँ पे स्वाइल लिखा हुआ है। अच्छा, तो इसको दोबारा स्टॉप करके मैं दोबारा स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ, ठीक है। और अभी आप देखिएगा, अभी आ रहा है क्या? नहीं सर, अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि आलू की फसल जो है आज हमारे देश में कमर्शियल क्रॉप की कैटेगरी में रखी जाती है। और कमर्शियल क्रॉप क्यों? क्योंकि जितना हम गेहूं या चावल खाते हैं उतना ही ज्यादा हम आलू खाने लगे हैं, और क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो चुकी है हमारे देश में आलू की, इसलिए उसको उगाना किसान के लिए फायदे का सौदा है, अच्छी आमदनी वो आलू की फसल से कमा लेता है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो पूरे संसार में इंडिया नंबर 2 पे आता है चाइना के बाद, और हमारे देश में हिमाचल, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, एमपी, पंजाब, महाराष्ट्र, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कि मोटे मोटे तौर पे ज़्यादा आलू की फसल होती है, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आलू की फसल यहाँ पे पैदा की जाती है। अगर इसके लगाने के टाइम की बात करें तो इसको लगाने का टाइम, जो बेस्ट टाइमिंग रहता है वो 15 अक्टूबर से 10 नवंबर या 15 नवंबर, ये जो एक महीना है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, ये बेस्ट टाइमिंग है आलू की फसल को लगाने की। और ये वो टाइम होता है जब ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और यहाँ पे हम आलू की फसल लगा सकते हैं। ठंडे मौसम की फसल कहा जाता है इसको, ठंडा मौसम चाहिए होता है। और अगर हम इसके लिए मिट्टी की बात करें तो आलू की फसल के लिए जो मिट्टी चाहिए वो चाहिए एकदम भुरभुरी और सॉफ्ट मिट्टी चाहिए होती है। और भुरभुरी और सॉफ्ट मिट्टी क्यों चाहिए? ताकि आलू नीचे से अच्छे से बड़ा हो सके, एक्सपेंड कर सके, जड़ों का विकास हो सके, पानी नहीं रुकना चाहिए उसमें वरना आलू गल जाएगा। अगर पीएच लेवल की बात करें तो आलू की फसल को थोड़ा सा एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, पीएच रेंज अगर 5.2 से 6 के आसपास रहे तो भी बढ़िया है। तो हल्की सी एसिडिक, पानी ना रुकने वाली और भुरभुरी मिट्टी, ये हमें चाहिए और इसी के ऊपर हमें मेजर फोकस रखना है। अगर हम सोचें कि ऐसी मिट्टी के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा प्रोडक्ट है, तो दोस्तों आप खुद सोच के देखो कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके लिए।
इसके लिए ह्यूमिक बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी चीज के लिए, जब आपको मिट्टी को भुरभुरा करना है, हल्का सा एसिडिक रखना है, पानी निकासी की व्यवस्था अच्छी रखनी है। तो आइए हम समझते हैं कब कब कैसे कैसे कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। एंड स्टेप नंबर वन है सॉइल एप्लीकेशन बिफोर प्लांटिंग, अर्थात आलू लगाने के पहले हम मिट्टी में क्या डालें। अब आलू लगाने वाला है किसान और वो अपने खेत को तैयार कर रहा है, खेत को अगर तैयार कर रहा है तो पहले वो गोबर की खाद डालेगा, वहां पे हल चलाएगा, जुताई करेगा, ठीक, उसके बाद वहां पे डीएपी डालेगा, फिर आलू का बीज लगाएगा। तो डाई डालते हैं, डाई मतलब डीएपी खाद डालता। सो जब कोई किसान गोबर की खाद डाल के खेत को तैयार कर रहा है, उसी समय पे वो हमारा एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल, एग्री प्रोटेक और एग्री 82 का प्रयोग करवा सकता है। ह्यूमिक ग्रैनुअल, एग्री प्रोटेक एंड एग्री 82, और एक एकड़ के खेत के लिए वो 5 किलो ह्यूमिक ग्रैनुअल, 500 ग्राम एग्री प्रोटेक और 150 ml एग्री 82 का प्रयोग कर सकता है। 5 किलो ह्यूमिक ग्रैनुअल, 500 ग्राम प्रोटेक और 150 ml एग्री 82 का प्रयोग कर सकता है, और इन तीनों को ही वो गोबर की खाद के साथ मिला के डलवा सकता है। तो जब वो गोबर की खाद डाल रहा था, उसी गोबर की खाद के साथ मिला के वो ये तीनों प्रोडक्ट भी डाल सकता है। क्यों डाल रहे हैं हम इसको? इसलिए डाल रहे हैं ताकि ह्यूमिक ग्रैनुअल आपकी मिट्टी को सॉफ्ट बनाने का काम करे, भुरभुरा बनाने का काम करे। एग्री प्रोटेक्ट जो है वो आपकी मिट्टी में से फफूंद जनित रोगों को दूर करने का काम करे, फंगस को हटाए। एग्री 82 आपकी मिट्टी की जल धारण क्षमता को बनाए रखे ताकि आपको ज्यादा पानी की आवश्यकता ना पड़े। सो ये तीनों प्रोडक्ट हम गोबर की खाद के साथ मिला के तो डाल ही सकते थे, लेकिन अगर कोई किसान हमें कहता है कि सर हम तो गोबर की खाद ऑलरेडी डाल चुके हैं, हमारा जो खेत है वो तैयार हो चुका है, अब हम क्या करें। सो ऐसे में आप लोग, जब किसान बीज लगाने जाता है उससे पहले वो डीएपी डालता है, डाई। तो अगर कोई किसान डाई डाल रहा है, डीएपी डाल रहा है, तो उसके साथ मिला के भी आप अपने प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हो। सो दो ऑप्शन है, या तो गोबर की खाद के साथ मिला के डलवा सकते थे, या फिर डीएपी के साथ मिला के भी आप डलवा सकते हो, ठीक। अब इसके बाद बात आती है कि मिट्टी तो तैयार हो गई, अब हमें बीज लगाना है। तो बीज लगाते समय हम बीज उपचार करवा सकते हैं। आलू की फसल में बीज उपचार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आलू की फसल में आगे जाके हमें पैदावार अच्छी चाहिए, ग्रोथ अच्छी चाहिए, और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि आलू की फसल में फंगस की बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फसल को फंगस की प्रॉब्लम से बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फसल को ग्रोथ अच्छी प्रदान करने के लिए और फंगस से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे बीज उपचार करवा रहे हैं, और बीज उपचार करने के लिए हम दो प्रोडक्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं, और वो दोनों प्रोडक्ट हैं एग्री ह्यूमिक एंड एग्री प्रोटेक। इन दोनों प्रोडक्ट्स का हम प्रयोग करवा सकते हैं। एग्री ह्यूमिक की जो मात्रा होती है वो 5 ml प्रति लीटर होती है, और एग्री प्रोटेक की मात्रा 10 ग्राम प्रति लीटर होती है। अब ये वाला जो डोज लिखा हुआ है, ये लीटर में लिखा हुआ है। लीटर में क्यों लिखा हुआ है? लीटर में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आलू का बीज तो बहुत ज्यादा लगता है एक एकड़ में, तो अगर हमें उसका उपचार करना है, सो उसमें या तो हमें आलू के बीज को इस सॉल्यूशन में डुबाना पड़ेगा, हम घोल बना लें अपने प्रोडक्ट्स का, उसमें बीज को डुबाएं, या फिर हमें बीज के ऊपर स्प्रे करना पड़ेगा। सो अब देखिए हमें क्या करना है, एक्चुअली में दोनों तरीकों को भी हमें अच्छे से समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम क्या करें, अपने प्रोडक्ट का एक घोल बना लें। मान लीजिए हमने पानी लिया, पानी में हमने 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से एग्री ह्यूमिक मिला लिया, फिर उसके बाद हमने 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एग्री प्रोटेक्ट मिला लिया। अब जो आलू है, आलू के बीज को हम इसमें डुबा सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, उसको बाहर निकाल लें, फिर जो बीज बचा है उसको दोबारा सॉल्यूशन में डुबाएं, फिर निकाल लें, और बीज को डालें निकाल लें, दूसरा और जो बीज है उसको डालें निकाल लें। तो उस सॉल्यूशन को जो हमने बनाया है उसको हम 6 से 7 बार तक यूज कर सकते हैं, और जो बीज डुबा के हमने इसमें से बाहर निकाला है उस बीज को हम अच्छे से छाया में सुखा लें 2 घंटे के लिए, कम से कम 2 से 2.5 घंटे के लिए छाया में सुखा लें, और फिर हम उसको लगा सकते हैं। चाहे आप साबुत आलू लगाते हो, चाहे आप आलू को काट के लगाते हो, दोनों को ही आप इसमें लगा सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बीज उपचार के समय, स्पेशली आलू में, आपको एग्री 82 का प्रयोग नहीं करना है। एग्री 82 का प्रयोग आपको नहीं करना है बीज उपचार में। तो ये बात का गांठ बांध लें आप लोग कि 82 का प्रयोग नहीं करेंगे अब बीज उपचार के लिए, और या तो डुबाने वाला मेथड का प्रयोग होगा, या फिर जो दूसरा तरीका है
दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि हमने आलू का जो बीज है उसको जमीन पे अच्छे से फैला लिया, और जमीन पे फैलाने के बाद हमने उसके ऊपर स्प्रे करवा दिया। स्प्रे कराया तो अभी ऊपर ऊपर स्प्रे हुआ, हम बीज को पलट लें वापस, दूसरी साइड भी स्प्रे करा लें, फिर उसको 1.5 से 2 घंटा 2.5 घंटा सुखा के फिर हम उसको अपनी जमीन में लगा सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं, दोनों में से कोई सा भी आप तरीका कर सकते हो अगर आप बीज उपचार करना चाहते हो, दोनों ही तरीके सही है। जो इम्पोर्टेंट चीज है जो ध्यान रखने की है वो एक तो ये है कि हम 82 का प्रयोग नहीं करना है बीज उपचार में, और दूसरी जो चीज है ध्यान रखने की वो ये है कि हमें बीज को सुखाना जरूर है। ठीक, बीज उपचार हम क्यों कर रहे हैं? ताकि बीजों का अंकुरण अच्छे से हो, रूट ग्रोथ अच्छे से हो, और बीज जो है हमारा वो फंगस की बीमारियों से बचा रहे। इसके बाद स्टेप नंबर 3 आता है जो कि है 30 दिन, प्लांटिंग के 30 दिन बाद। इसका मतलब है कि आपने आलू का बीज लगा दिया, फसल 25-30 दिन की हो चुकी है। तो फसल जब 25-30 दिन की हो चुकी होती है उस समय पे एक्चुअली में सबसे पहले तो किसान निराई गुड़ाई करता है, वहां से घास निकालता है, उसके बाद वहां पानी लगाता है खेत में, फिर वहां पे खाद डालता है, यूरिया NPK और मिट्टी चढ़ाता है। आप जैसे फोटो में भी देख रहे हैं खेत बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि वहां से खरपतवार घास ये सब निकाल दी गई है। ऐसे खेत में जब फसल लगभग 30 दिन की हो चुकी है तब वहां पे आप एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड एंड एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। या तो आप 15 लीटर के टैंक से स्प्रे करवाएंगे, 30 ml ह्यूमिक की डोज रहेगी, 20 ग्राम गोल्ड की डोज रहेगी एंड 10 ml एग्री 82 की डोज रहेगी 15 लीटर के टैंक से स्प्रे करने के लिए। दूसरा ऑप्शन ये होता है, कभी कभी किसान हमसे कहता है कि सर हम स्प्रे नहीं कर सकते। तो अगर हम स्प्रे नहीं कर सकते तो हम वहां पे अगर कोई खाद डाल रहे हैं, सपोज यूरिया डाल रहे हैं, उसके साथ मिला के भी इसको डलवा सकते हैं। 1 एकड़ के लिए हम 250 ml ह्यूमिक, 100 ग्राम गोल्ड और 150 ml एग्री 82 का प्रयोग करवा सकते हैं। और एक तीसरा ऑप्शन भी है, अगर कोई चाहता है कि मैं पानी सिंचाई करते समय डालूं तो सिंचाई के समय भी इसको मिला के डाल सकता है। हालांकि अगर हमें देखना है कि खर्चा कम से कम रहे तो उसके लिए बढ़िया है कि आप स्प्रे करा लो। 15 लीटर के टैंक में आप 30 ml ह्यूमिक रख सकते हो, 20 ग्राम गोल्ड रख सकते हो, 10 ml 82 रख सकते हो। ये वाला जो स्प्रे है ये हमारी फसल को न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इंप्रूव करने का काम करेगा, पोषक तत्व प्रोवाइड करेगा, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेगा, फसल में किसी प्रकार का कोई तनाव स्ट्रेस आ रहा था उससे बचाने का काम करेगा, एग्री 82 जो है वो एक्टिवेटर वेटर का काम करेगा। इसके बाद बात आती है जब फसल लगभग 40 से 45 दिन की हो चुकी है, स्टेप नंबर 4 है, और ऐसे में यहाँ पे हम एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 का स्प्रे करवा सकते हैं। ये वाले प्रोडक्ट जब हम स्प्रे करवा रहे हैं तो 15 लीटर के टैंक में 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ग्राम गोल्ड और 10 ml 82 का प्रयोग करवा सकते हैं। ये स्प्रे खास तौर से आपके आलू जो बन रहा है वहां पे उसके साइज को इम्प्रूव करने का काम करेगा, साइज को एक समान बनाएगा, चमक बढ़ाने का काम करेगा और उसकी लाइफ को इम्प्रूव करने का काम करेगा, ताकि हम ज्यादा समय के लिए उसको स्टोर करके रख सकें और वो सड़े नहीं। आमतौर पर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने के कारण जो है आलू सड़ जाता है, तो आलू को सड़ने से बचाने के लिए, उसकी लाइफ इम्प्रूव करने के लिए, चमक बढ़ाने के लिए, तो हम इन प्रोडक्ट्स का प्रयोग करवा सकते हैं। तो ये 4 स्टेप है, इन 4 स्टेप्स के ऊपर आप फोकस रखें, इनको आप कराएं आलू की फसल में। साथ ही साथ जो आप यूरिया DAP डाल रहे थे उनको 20-25% तक कम कर सकते हैं अगर ये सारे स्टेप आप कर रहे हैं। और अब आलू की जो फसल है वो दो प्रकार से आप सोच सकते हैं कि कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगाता है, मतलब जिनकी आलू की फसल जल्दी तैयार हो जाती है 85-90-100 दिन में, और कुछ लोग लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप लगाते हैं जिनकी आलू की फसल 120-140 दिन में तैयार होती है। तो कोई अगर लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप लगा रहा है जो कि लंबे टाइम में तैयार होती है तो वो फर्दर एक और स्टेप का प्रयोग कर सकता है जब फसल लगभग 60-70 दिन की हो चुकी हो, और ऐसे समय पे आप एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड एंड एग्री 82 का भी प्रयोग करा सकते हो। सो एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड, एग्री 82 का भी प्रयोग करा सकते हो। यही हमने स्टेप नंबर 4 में भी देखा था, इसी को आप स्टेप नंबर 5 में भी रिपीट कर सकते हैं अगर आपको जरूरत लग रही है तो, अदरवाइज आप शुरू के 4 स्टेप करें। और इन 5ों में से अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि सर कम से कम क्या हो, हमें बिल्कुल, हम फर्स्ट टाइम किसी को मिल रहे हैं तो हम क्या करें, तो आप एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 खरीदो, 500 ml ह्यूमिक, 300 ml 82, और उसमें से 500 ml ह्यूमिक, 300 ml 82 में से आधा तो आप शुरुआत में बुआई के समय जब आप DAP डालते हो उसमें मिला के डलवा दो, और बाकी बचा हुआ आधा जब फसल 30 दिन की हो चुकी होती है तब डलवा लो। तो इस तरीके से हम आलू की फसल को कर सकते हैं। मैंने आपको दो तरीके बता दिए कि अगर कम से कम करना है तो ह्यूमिक 82 भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये सारे स्टेप भी आप कर सकते हैं। ठीक, सो यहाँ पे
आलू की फसल को तो हमने कवर कर लिया, इसके बाद हम लोग बात करेंगे गेहूं की फसल की। सो यहाँ पे अब हम गेहूं की फसल को स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट फसल है। अभी जो सीजन चल रहा है, गेहूं का सीजन शुरू होने जा रहा है और आपके क्षेत्र में भी बहुत जबरदस्त तरीके से गेहूं की फसल होती है, तो आप स्पेशली अपने प्रोडक्ट्स का वहाँ पे इस्तेमाल करा सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो गेहूं की फसल को समझते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आलू कमर्शियल क्रॉप है, ऐसे ही गेहूं भी हालांकि कमर्शियल क्रॉप है और हमारे देश का मेन सीरियल क्रॉप है, अर्थात हम लोग सबसे ज्यादा अगर कुछ खाते हैं तो गेहूं खाते हैं, चावल भी खाते हैं, बट गेहूं और चावल ये दोनों ही हमारे देश की मेन सीरियल क्रॉप्स हैं। और रोटियां हम लोग खानी पसंद करते हैं जो कि गेहूं के आटे की बनती है। और हमारे देश में जो हरित क्रांति हुई थी वो भी गेहूं की फसल से शुरुआत हुई थी उसकी, और हरित क्रांति का बहुत बड़ा योगदान था गेहूं की फसल के उत्पादन को बढ़ाने में। तो हरित क्रांति के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले गेहूं की फसल में, उसकी पैदावार बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी। पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन की बात करें तो आज इंडिया नंबर टू पे पहुंच चुका है, जबकि एक समय ऐसा था कि इंडिया को खुद के खाने के लिए गेहूं नहीं था, अकाल पड़ता था देश में, और आज तो हम अपने लिए भी उगाते हैं और देश विदेशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। उत्तरी भारत को हम समझ सकते हैं, ये गेहूं का गढ़ है। उत्तरी भारत में बहुत शानदार तरीके से गेहूं की फसल की जाती है और ये भी कूल वेदर क्रॉप है, ठंडे मौसम में इसको उगाया जाता है। बहुत मजबूत फसल है, किसान ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, पसंद नहीं करता ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना गेहूं की फसल में, क्योंकि ये वेदर को अच्छे से सहन कर लेती है, बस कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। मान लीजिए ह्यूमिडिटी ज्यादा है, नमी बन गई, फिर धूप निकल गई, फिर नमी आ गई, फिर धूप निकल गई, तो इस प्रकार का मौसम कभी रहता तो वहाँ पे जंग लगने की समस्या आ जाती है। अदरवाइज अच्छे से गेहूं की फसल कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सो 15 नवंबर, अब नवंबर का जो महीना ये सही टाइम रहता है गेहूं की फसल को लगाने के लिए, और 140 दिन के आसपास एक एवरेज हम मान सकते हैं, इसको काट लेते हैं हम फरवरी लास्ट में, मार्च में, मार्च लास्ट तक इसकी कटाई चलती है। और फिर जब हम देखेंगे कि शुरुआत में जब हमने इसको लगाया था तब ऑप्टिमम टेम्परेचर था, जब इसकी ग्रोथ हुई तो बिल्कुल मिनिमम टेम्परेचर था, और जब काटने का टाइम आया तो टेम्परेचर थोड़ा ऊपर जा चुका होता है। सो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में ये ग्रोथ करती है। ग्रोथ फसल जब ग्रोथ कर रही थी तब कम, बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, ठंडा रहता है मौसम। जब लगाया था तो ठीक ठाक था और जब काटा तो थोड़ा गर्म हो चुका था। तो इस तरीके से इसकी फसल चलती है। मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी अच्छी रहती है, जिसमें पानी सोखने की क्षमता भी अच्छी हो, ड्रेनेज भी सही रहे, और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है इसके लिए। अब हम प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन आता है स्टेप नंबर वन, वो है बेसल एप्लीकेशन बिफोर सोइंग। बेसल एप्लीकेशन बिफोर सोइंग का मतलब है कि जब हम गेहूं की फसल लगाने जा रहे हैं तो जैसे आलू में हमने खेत को तैयार किया था, ऐसे गेहूं के लिए भी तैयार करते हैं। तो खेत को तैयार करते समय हम ह्यूमिक ग्रैनुअल, एग्री प्रोटेक और एग्री 82 का प्रयोग करवा सकते हैं। एक एकड़ के लिए हम 5 किलो ह्यूमिक ग्रैनुअल, 500 ग्राम प्रोटेक और 150 ml एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम गोबर की खाद के साथ मिला के भी डलवा सकते हैं, बीज के साथ जब DAP डाल रहे हैं तो DAP के साथ मिला के भी डलवा सकते हैं। ये हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने का काम करेगा। साथ ही साथ वहाँ पे एग्री प्रोटेक हम डाल रहे हैं वो हमारी फसल में से फफूंद की बीमारियों को दूर करने का काम करेगा। उसके अलावा 82 जो है वो हमारी मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा। सो इसका प्रयोग हम करा रहे हैं शुरुआत में बुआई के समय, जब खेत तैयार किया जा रहा है, या तो तब गोबर की खाद में मिला के, या फिर जब हमारे खेत में DAP डाला जा रहा है उस समय पे। इसके बाद बात आती है स्टेप नंबर टू की। स्टेप नंबर टू में हम लोग बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट की, और सीड ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं जैसे हम आलू में कर रहे थे ऐसे हम गेहूं में भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे डोज जो लिखी है एग्री ह्यूमिक की वो प्रति किलो के हिसाब से लिखी है। एग्री ह्यूमिक 5 ml प्रति किलो, एग्री प्रोटेक्ट 5 ग्राम प्रति किलो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बीज के ऊपर डायरेक्टली इन प्रोडक्ट को हम मिला सकते हैं और तब उसके बाद हम बीज को लगा सकते हैं। थोड़ा सा उसको 1-1.5 घंटा सुखा लें छाया में और फिर हम उसको लगा सकते हैं। तो 1 किलो बीज के लिए 5 ml ह्यूमिक एंड 5 ग्राम प्रोटेक्ट, ये काफ़ी रहता है। या फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि बीज को धो लें और धोने के बाद फिर ये लगाएं, तो वो वाला ऑप्शन भी है। दोनों ऑप्शन है, जैसा भी किसान को आसान लगे वो कर सकता है। अगर हम बीज उपचार कर रहे हैं तो बीज उपचार हमारी फसल में
अंकुरण को अच्छा करने का काम करता है। अंकुरण ज्यादा निकलते हैं हमारी फसल में, अंकुरित अच्छे से होती है, हमारी फसल फफूंद की बीमारियों से बची रहती है, तो इसलिए बीज उपचार भी काफी फायदेमंद रहता है। इसके बाद जो स्टेप नंबर थ्री आता है, स्टेप नंबर थ्री आता है स्प्रे और ड्रेंचिंग के समय। स्प्रे और ड्रेंचिंग, स्प्रे एंड ड्रेंचिंग का मतलब है, स्प्रे और ड्रेंचिंग एट फर्स्ट इरिगेशन, इसका मतलब है कि जब यहाँ पे भी फसल लगभग 30 दिन की हो चुकी होती है और इसमें भी किसान पहले निराई गुड़ाई करता है, घास निकालता है या फिर खरपतवार नाशक का स्प्रे करता है, फिर खेत में पानी चलाता है, यूरिया डालता है, तो फसल जब लगभग 30 दिन की हो चुकी है, एक पानी लग चुका है, वहां पे आप 15 लीटर के टैंक से एग्री ह्यूमिक, एग्री कोल्ड और एग्री 82 का प्रयोग करा सकते। 15 लीटर के टैंक से अगर हम स्प्रे करा रहे हैं तो उसमें 30 ml ह्यूमिक, 20 ग्राम गोल्ड और 10 ml 82, ये काफी रहता है डोज। और अगर कोई व्यक्ति स्प्रे नहीं करवाना चाहता है तो वो स्प्रे की जगह यूरिया में मिला के भी इन तीनों प्रोडक्ट को डाल सकता है और उसकी डोज हो जाती है 250 ml ह्यूमिक, 100 ग्राम गोल्ड और 150 ml 82 एक एकड़ के लिए। अब बहुत बार हम लोगों को ऐसे किसान भी मिल जाते हैं जो पूछते हैं कि सर हम क्या इन प्रोडक्ट्स को पानी के साथ सिंचाई में दे सकते हैं क्या? यस, पानी के साथ सिंचाई में भी आप लोग इनको दे सकते हो और उसमें भी डोज यही रहती है एक एकड़ की। 250 ml ह्यूमिक हम दे सकते हैं, 100 ग्राम गोल्ड दे सकते हैं, 150 ml 82 दे सकते हैं। इनका सॉल्यूशन बना के हम टांग ले शुरुआत में ही और पानी में ये टपक टपक करके जाता रहेगा, तो ये चीज भी हम कर सकते हैं। आसान है, या तो हम यूरिया में मिला के डाल दें या फिर हम स्प्रे कर दें। ये वाला स्प्रे जो हम कर रहे हैं ये हमारी फसल की ग्रोथ को इम्प्रूव करने का काम करेगा, हरा भरा रखेगा उसको, जड़ों का विकास करेगा, पोषक तत्वों को पहुंचाने में मदद करेगा, फसल को किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से बचाने का काम करेगा। बहुत बार फसल छोटी अवस्था में ही झुक झुक जाती है एक तरफ के साइड, तो फसल को झुकने से बचाने का काम करेगा। एग्री 82 वेटर एक्टिवेटर का काम करेगा। सो ये स्टेप नंबर थ्री है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है गेहूं की फसल के लिए। इसके बाद स्टेप नंबर चार आता है, वो आता है 15 से 20 दिन पहले, फूल आने के 15 से 20 दिन पहले। तो गेहूं की फसल में जब फूल आने वाला है उस समय पे हम लोग एग्री नैनोटेक, एग्री मॉस और एग्री 82 का प्रयोग करा सकते हैं। एग्री मॉस का काम है ताकि फूल ज्यादा निकले, फूल झड़े नहीं, फूलों से दाना बढ़िया बने, दाने की क्वालिटी बढ़िया बने। 82 वेटर एक्टिवेटर स्प्रेडर का काम करता है और नैनोटेक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है। बहुत बार हम सुनते हैं कि जो गेहूं का दाना है वो काला पड़ गया या उसमें चमक नहीं आ रही, शाइनिंग नहीं आ रही, तो गेहूं का दाना काला ना पड़े, उसमें चमक अच्छी रहे, उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, ताकि उसके रेट अच्छे मिले, उसके लिए नैनोटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 लीटर के टैंक से हम लोग स्प्रे करवा सकते हैं 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ml मॉस एंड 10 ml 82, इन तीनों को मिला के हम लोग स्प्रे करा सकते हैं ताकि हमारे यहाँ पे फ्लावरिंग भी अच्छी बने और वहां पे फिर हमें दाना भी अच्छा प्राप्त हो। तो ये शुरू के चार स्टेप है, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है गेहूं की फसल के लिए। और अगर हमें लग रहा है कि फर्दर जरूरत है, और जरूरत है, तो ही हम फिर पांचवा स्टेप करें। पांचवा स्टेप आता है फूल आने के 15 से 20 दिन पहले। हालांकि गेहूं की फसल बहुत बड़ी हो चुकी होती है तब तक स्प्रे करना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट लगती है तो हम कर सकते हैं। 15 लीटर के टैंक में हम एग्री नैनोटेक 30 ग्राम, एग्री गोल्ड 20 ग्राम और एग्री 82 10 ml, इन तीनों को मिला के स्प्रे करवा सकते हैं। ये वाला जो स्प्रे हम करते हैं ये हमारी फसल को गिरने से बचाने का काम करता है, लास्ट में आंधी तूफान आ जाता है उनसे बचाने का काम करता है, मौसम के प्रभाव से बचाता है, दाने की क्वालिटी को अच्छा करने का काम करता है और उसकी चमक बढ़ाने का काम करता है। तो ये पांच स्टेप है, इन पांच में से शुरू के चार पे हम ज्यादा फोकस रखें, जरूरत लगे तो पांचवा भी करें। उसके अलावा अगर कोई चाहता है कि सर कम से कम प्रोडक्ट बताएं, सिर्फ ह्यूमिक 82 का प्रयोग कैसे करना है, तो सिर्फ ह्यूमिक 82 प्रयोग करना चाहते हो तो आप वैसे ही जैसे मैंने आलू में बताया था, एक ह्यूमिक की बोतल खरीद लें, एक 300 ml वाली 82 की बोतल खरीद लें, आधा ह्यूमिक 82 आप DAP में मिला के डलवाएं शुरू में, जब आप DAP डाल रहे हैं बिजाई के समय, और बाकी आधा ह्यूमिक 82 जब फसल 30 दिन की हो जाती है तब डलवाएं। तो इतना आप कर सकते हैं। ये दो फसलों को आज हम लोगों ने कवर किया है, आई होप आप लोगों ने सारी चीजें नोट डाउन की होंगी और इनको आपने अच्छे से समझा होगा। फिर भी अगर आप बाद में इनको रिवाइज करना चाहें तो आप इनको YouTube पे वीडियो देख के भी रिवाइज कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आई होप आप लोग ज्वाइन होंगे, उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन रहें, वहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे
क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। आज हम लोगों ने सिर्फ ये दो फसलों की ट्रेनिंग को कवर किया। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। सो आदित्य जी, हम लोगों ने ये दोनों फसल की ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर ली। आई थिंक अब आप